हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल खाओ दिल से। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आज मैं वापस आ गया आपके लिए एक और रेसिपी लेके, लेकिन आज मैं नहीं बनाऊँगा रेसिपी, आज बनाएंगी मेरी भाभी। और क्या बनाएंगी, चलिए पूछते हैं उनसे। हेलो भाभी, क्या बना रहे हो आज आप हमारे लिए? मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया अपने व्यूअर्स के, तो आप इन्हें बताइए आज आप हमारे लिए क्या बनाएंगी। आज मेरा मन कर रहा है बनाने का बादाम मिल्क। बादाम मिल्क, ओए होए। और आज मैं बनाऊंगी बादाम मिल्क, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और आगे आपको, आज मैं पहली बार दिख रही हूँ आपको, आज मैं वीडियो में पहली बार दिखूँगी और आगे भी जो भी वीडियोस आएगी मैं दिखती रहूँगी नई नई रेसिपी के साथ। और आपको कोई नई न्यू रेसिपी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए मेरे साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम मिल्कशेक, जो हेल्दी एंड टेस्टी भी है। ये कितने बादाम है? ये है 100 ग्राम बादाम है। 100 ग्राम? हाँ, 70 से 80 बादाम होंगे। ठीक है। हाँ। तो आपने इन्हें कब आपने इन्हें भिगोया था? ये मैंने सुबह भिगोया है, 4-5 घंटे बहुत है भिगोने के लिए। 4-5 घंटे बहुत है। अगर आप चाहो तो रात को भी भिगो कर, सुबह बनाना हो तो रात को भिगो सकती हूँ। ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे इसका? इसको पहले हम छीलेंगे। ठीक है, पहले आप इन्हें छीलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये बादाम है, करीबन 70-80 बादाम है। ये आप अपने अकॉर्डिंग भिगो सकते हैं कि आपको कितना आपको बादाम मिल्क शेक बनाना है। ठीक है, ये हमने अपने हिसाब से भिगोए हैं। और आप भिगोने पूरी रात इसको भिगो सकते हैं, या फिर आपको इवनिंग में बनाना है तो मॉर्निंग में आप इसे भिगो सकते हैं। आपको इंस्टेंट बनाना है बादाम मिल्क शेक तो आप इसको गुनगुने पानी में भिगो दीजिए। अच्छा, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो इसे आप गर्म पानी में भिगो सकते हैं 20-30 मिनट, तो ये आपके रेडी हो जाएंगे। अब आप जब इनको भिगो दें, उसके बाद आप क्या करें कि इनको ऐसे छील दें। तो देखिए दोस्तों, जो हमने बादाम भिगोए थे वो सारे छील दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर देंगे मिक्सी में। बनाने के लिए हमने 2 लीटर का दूध यूज़ कर रहे हैं। हमने 2 लीटर दूध लिया है। पहले हम इस दूध को गर्म करेंगे, हल्का सा पहले गुनगुना करेंगे। ठीक है, पेस्ट बनाने के लिए बादाम का। अच्छा, बादाम का जो हम पेस्ट बनाएंगे उसमें दूध भी डालेंगे हम। तो कितना दूध डलेगा इसमें? एक कटोरी। देखिए दोस्तों, इतने बादाम के लिए हम 1 कटोरी दूध लेंगे। थोड़ा सा गुनगुना बॉइल करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको पेस्ट बनाते हैं। इसको हम, ये हमें बादाम को हमें ग्राइंड करना है, इसके लिए हम दूध यूज़ करेंगे जो हमने अभी गर्म करा है। एक कटोरी हमने लिया है। ये जार में बादाम डाल दिए हैं और इसमें 1 कटोरी दूध डालते हैं। दूध थोड़ा निवाया है दोस्तों, याद रखना। अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। तैयार हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। ओए होए, कितना स्मूथ पेस्ट बनाई है। थोड़ा सा में दूध डाल लेंगे निकालने के लिए अंदर जो भी है। देखिए दोस्तों, पेस्ट तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब हमें इस दूध को बॉईल करना है 10 से 12 मिनट तक। और ध्यान रखना है, इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। और आपने दूध को छोड़ दिया, उबल रहा था, बाहर निकल जाएगा और दूध जल भी जाएगा। देखिए, ये दूध गाढ़ा हो गया है, ठीक हो गया। ये 12-13 मिनट में ये ठीक हो जाएगा इतना। इसमें हम चीनी डालेंगे, 12 चम्मच चीनी है। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद है। उसके बाद हमने ये बादाम का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है 10 से 12 मिनट तक।
दूध को हमने 10 से 12 मिनट तक बॉईल कर लिए। देखिए कितना थिक हो गया ये। ओए होए एकदम यम लग रहा है। खुशबू देखिए आप इसकी दोस्तों। गैस को हम बंद कर देंगे। बहुत रिच चाहिए। इसमें इलायची पाउडर यूज करेंगे। ठीक है, ये भाभी आपने कितना इलायची पाउडर इसमें डाला है? अराउंड 5 इलायची डाली है। 4 से 5 इलायची। ठीक है, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसकी। देखो तो पीने का मन कर रहा है, बहुत यम्मी लग रहा है ये देखने में। मैं तो मन कर रहा हूँ अभी पी लूं। और अभी सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, सेहत वेहत के लिए उनकी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, रिच है, इसमें बादाम है। बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। और स्पेशली आज सभी के लोगों के घरों में कोई ना कोई आपको एक शुगर पेशेंट जरूर मिलेगा। बिल्कुल, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही बात है, तो उनको भी पीने का मन करता है। बिल्कुल सही बात है। चीनी तो आप चाहो तो इसमें आप चीनी ना डालें उनके लिए। ठीक है, हाँ, चीनी उनको नुकसान देगी। बिल्कुल सही बात है, इसमें दूध की मिठास हो गई। और तो आप बिना चीनी के भी इसको इतना अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें दूध की खुद की मिठास होती है। आप इसको बॉयल कर रहे हो, बिल्कुल सही बात, दूध की मिठास आ रही है। बिल्कुल सही बात है, बिना चीनी के भी इतना ही अच्छा बनेगा। ओए होए मजेदार एकदम। अब ये रेडी हो गया है हमारा बादाम मिल्क। आप इसको जैसे भी चाहे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हॉट पी सकते हैं। हाँ, पी सकते हो आप। गर्म पीने गर्म पी लिए। ठीक है, ठंडा करके पीना तो ठंडा करके पी लीजिए। अभी मैं इसको सर्व करूँगी। ओए होए एकदम उबलता हुआ। हेलो भाई। हेलो, कैसा है? बढ़िया, तू बता। बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये मेरा बड़ा भाई है। आज भाभी ने बादाम मिल्क शेक बनाया है और मैं भाई से टेस्ट करवाऊंगा कि ये कैसा बना है। भाई देखो देखो जैसा किया जाता है, देखो किया जा रहा है। देखो जैसा भी बना है तुम्हें तारीफ तो करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं कि भाभी ने मिल्क शेक कैसा बनाया। तो आप पी के बताइए इसे कैसा लगा आपको। गरम है? अच्छा, हाँ ये गर्म है। ठंडा हम सुबह पियेंगे। ठंडा हम सुबह पियेंगे, अभी ठंडा हो नहीं पाएगा तो इसलिए अभी गर्म टेस्ट करके बताओ। हाँ ठीक है, टेस्ट करके बताओ इसे। पार्टी हो रही है, थोड़ा हमें भी टेस्ट करवा दो। सारा सारा तेरा पियो गए। सही है, इतनी मेहनत से बनाया मैंने। बहुत बढ़िया बना है। ओए भाभी तारीफ हो गई, बहुत बढ़िया बनाया, मस्ट ट्राई। अच्छा, अगर इसको 10 में से मार्क्स देना चाहो तो कितने दोगे? 10.5। भाभी क्लैपिंग साहब के लिए आज तो। चलिए दोस्तों, ये था रिव्यू मेरे भाई का। अब हम कल पियेंगे जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी गर्म है, गर्म मुझे पसंद नहीं है। और बाकी फैमिली भी कल पिएगी। तो बाय बाय भाई, वीडियो एंड कर रहे हैं। अपने व्यूअर्स को बाय बाय बोल दीजिए। चलिए दोस्तों, ये था आज की रेसिपी जो भाभी ने बनाई थी और भैया ने टेस्ट करी थी और भैया को काफ़ी पसंद आई। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मुझे ठंडा वाला मिल्क शेक कैसा लगा था बादाम। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे और एक्साइटिंग वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।